सिर्फ सच। मानस भवन रोड पर खड़ा लव नाम का यह पेड़ अब अकेला है। एक दिन पहले ही ठीक इसके बाजू में लगा कुश नाम का पेड़ अब धराशायी हो चुका है। 30 साल पुराने दोनों पेड़ों को एक साथ लगाया गया था। नगर निगम की जेसीबी यहां पहुंची और उसके नाली खनन के चलते पेड़ों की जड़ों को इतना नुकसान हुआ कि वह भरभरा के गिर गया। अब सिर्फ अकेला कुश ही बचा है। उसकी भी जड़ें इतनी कमजोर हो गई हैं कि ना जाने कौन सा दिन उसके लिए आखिरी साबित हो। जेसीबी मशीन से खुदाई की गई और वो कमज़ोर हो गई जड़, और जब पानी गिरा जोर से तो अचानक वो झाड़ जो है हमारे घर के ऊपर गिर गया। और ये 31 साल पहले इसको लगाया गया था। ये सारे 5 झाड़ थे ऐसे, जिसमें से कि 2 ही बचे थे, और ये दोनों आइडेंटिकल थे, एक जैसे जुड़वा पेड़ थे। उनका नाम लवकुश रखा था, पूरे राइट टाउन के सभी लोग उसको लवकुश बोलते थे, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत अच्छे छाया देते थे। राइट टाउन एरिया में होम साइंस कॉलेज के पास नज़र दौड़ाई जाए तो सड़क के किनारे खुदाई का काम चल रहा है। वहां बड़ी संख्या में पेड़ नज़र आ जाएंगे। फिलहाल तो ये पेड़ सुरक्षित हैं, लेकिन क्या मालूम आने वाले वक्त में ये बचेंगे या नहीं। कहीं लवकुश की तरह जेसीबी की खुदाई उन्हें जमींदोज ना कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, दत्रकाल मीडिया। सिर्फ सच।